आर्टिस्टों को भी फन और फनकार के लिए ये बेहतरीन तरीका है उसको प्रमोट करने का। मेरी यही उम्मीद है कि हैदराबाद में ऐसे फेस्टिवल होने चाहिए। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची की जानिब से हैदराबाद मेहरान आर्ट्स काउंसिल में 10 रोज़ा सिंध थिएटर फेस्टिवल का आगाज हो गया। मस्कूरा फेस्टिवल में रोज़ाना स्टेज ड्रामे पेश किए जाएंगे जिनमें 5 सिंधी और 5 उर्दू ड्रामे शामिल हैं। मस्कूरा स्टेज ड्रामों में हैदराबाद और अंदरून सिंध के नामवर फनकार अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे जबकि ड्रामों के हिदायतकार और मुसन्निफ भी हैदराबाद से ताल्लुक रखते हैं। सिंध थिएटर फेस्टिवल में आवाम के लिए दाखिला बिल्कुल मुफ्त रखा गया है। इस ज़मीन में फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें सूबाई वजीर महकमा सकाफत सैयद सरदार अली शाह और आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के सदर मोहम्मद अहमद शाह ने खसूसी शिरकत की। इस मौके पर हैदराबाद के फनकारों ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया और उन्हें सिंध का रिवायती तोहफा अजरक और सिंधी टोपी पेश किया गया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई वजीर सरदार शाह ने फेस्टिवल के इनेकाद को खुशाइन करार दिया और मुस्तकबिल में भी इस तरह के इवेंट्स मुनक्किद करवाने के अज़्म का इआदा किया। फेस्टिवल के पहले रोज़ हैदराबाद के मारूफ हिदायतकार व फनकार रफ़ीक इसानी का स्टेज ड्रामा पेश किया गया जिसे शायकीन ने बहुत पसंद किया। आज हमने मेहरान आर्ट्स काउंसिल में हमारे मिनिस्टर सरदार शाह साहब ने एक ड्रामा फेस्टिवल का इनॉग्रेशन किया है जो कि आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के ताउन से यहाँ किया जा रहा है। उसमें यह है कि सारी फैसिलिटीज़ जो हैं उनको यहाँ ग्राउंड फैसिलिटीज़ हम दे रहे हैं और बाकी जो वो है वो आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची कर रहा है। और यहाँ पे 10 ड्रामे होंगे जिसमें 5 उर्दू और 5 सिंधी। कल्चर डिपार्टमेंट का बेसिकली मकसद यह है कि हम यहाँ ये साबित करें, लोगों को ये बताएं कि भाई ड्रामे सिर्फ कराची में नहीं होते, ये अगर हैदराबाद में ड्रामे होते तो वो सिर्फ सिंधी नहीं होते, ड्रामे हर लैंग्वेज में होते हैं और हर ज़बान हमारी ज़बान है। तो यहाँ के लोगों को कन्विंस करने के लिए मोटिवेट, और सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ लोगों के पास तफरी है क्या, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इसको हम इन्हेंस भी करें, इसको बिल्टअप भी करें और यहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज़ करते रहें। और आपके तवज्जो से मैं यहाँ के जितने भी ड्रामा आर्टिस्ट हैं उनसे सबसे कहूँगा कि भाई आइए हमारे साथ मिलकर ड्रामा कीजिए, हम जो फैसिलिटेट कर सकते हैं आपको करेंगे, पर आइए। ये नहीं हो ना कि एक आए वो बोले जी ये, दूसरा ये, आप आए लोगों की खिदमत के लिए आएँ, आपकी भी रोज़ी रोटी होगी, हमने जो बनाया है उसको भी लोगों के सामने उजागर किया जाएगा। थिएटर के हवाले से बहुत अच्छा इकदाम है, ये थिएटर के फ़रोग के लिए बहुत अच्छा इकदाम है। इसमें जो अहमद शाह साहब जो हमारे हैं कराची आर्ट्स काउंसिल के, उन्होंने अच्छी पेशरफ्त की है। हैदराबाद में 10 ड्रामे हो रहे हैं, है ना, 10 ड्रामों में 5 सिंधी 5 उर्दू। एक आर्टिस्टों को भी फ़न और फनकार के लिए ये बेहतरीन तरीका है उसको प्रमोट करने का। जिस तरह माजी में होता रहा है इस तरह अब जो हो रहा है ये एक अच्छा इकदाम है। मतलब थिएटर लोगों को सीखने का मौका मिलेगा, बर्बाद हो गया था थिएटर, तकरीबन बंद हो गया था, तो जो है वो कराची आर्ट्स काउंसिल के ताउन से जो है हमारे जो है शाहनवाज भट्टी साहब हैं और रफ़ीक इसानी साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वो ये सिलसिले में बड़ी कोशिशें की और ये आज बाकायदा इफ्तिताह किया गया जिसमें कल्चर मिनिस्टर सरदार साहब भी आए। सरदार साहब जो है सबसे बड़ी खबर ये है कि हैदराबाद आर्ट्स काउंसिल के क़याम का ऐलान किया। ये हैदराबाद के फनकारों की बड़ी पुरानी ख्वाहिश थी कि जिस तरह कराची आर्ट्स काउंसिल है इस तरह हैदराबाद आर्ट्स काउंसिल भी हो, तो ये बहुत बड़ी ख्वाहिश फनकारों की आज पूरी उन्होंने ऐलान किया और इंशाल्लाह अब हैदराबाद में हैदराबाद आर्ट्स काउंसिल का क़याम अमल में आएगा। हाँ, थिएटर फेस्टिवल हैदराबाद में काफ़ी अरसे के बाद हुआ है। यहाँ पर सिंध गवर्नमेंट की तरफ से फेस्टिवल हुआ था यहाँ पर काफ़ी साल पहले, फिर कोविड की वजह से चीज़ें आगे पीछे हो गई। इसके बाद जो हमारे उर्दू थिएटर के हैं लोग, जो उर्दू बोल रहे हैं हमारे भाई जो हैं, उनको भी ये शिकायत थी कि भाई यहाँ पे सिर्फ सिंधी प्लेस होते हैं, हैदराबाद वगैरह में उर्दू प्लेस नहीं होते। ये अपने तौर पर अपनी हिम्मत से अपनी प्रोडक्शन से काम करते थे, तो मैंने ये सोचा कि चले जाएं और जाकर बात करें कल्चर मिनिस्ट्री के साथ और जाकर बात करें अहमद शाह साहब के साथ कि यहाँ पर एक फेस्टिवल किया जाए जिसमें हमारे उर्दू भाई जो हैं वो भी ड्रामा करें, सिंधी जो ड्रामे भी आपस में हो, हमारा मेलजोल भी हो, हम आपस में मिलें, हम एक ही हैं, सब एक ही धरती के वारिस हैं। तो ये हमने एक सिलसिला शुरू किया। फिर वहाँ पर इसका इरादा था करने का सिंध म्यूज़ियम में, लेकिन फिर मिनिस्टर साहब ने कहा कि नहीं भाई अब यहाँ पर करें, या देखें कितना ये
साफ़ सुथरा हो गया है, कितना इस पर पैसा खर्च हुआ है, सिर्फ 15 दिन में 20 दिन में सारा हमने सेट करवाया। और ये सलीम गुड्डू साहब हैं और भी हमारे दोस्त हैं, हम सब मिलकर ये इवेंट कर रहे हैं, वो लोग भी आ रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है हमें। कल्चरल शो होंगे यहाँ पर, थिएटर वगैरह होंगे, तो उससे एक आपस में जो बाहमी ताल्लुकात है वो ज़रा मज़बूत होंगे, मोहब्बतें बढ़ेंगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ संध्या सिंधी, और जैसे कि आपको पता है कि हम अभी मौजूद हैं आर्ट काउंसिल में। आर्ट काउंसिल में फेस्टिवल हो रहा है और फेस्टिवल का आज फर्स्ट ड्रामा है, सो मैं उसे देखने के लिए आई हूँ। मेरे खुद के भी प्ले हैं, तो मैंने सोचा आज फर्स्ट प्ले है तो माशाल्लाह से एक भरपूर सी मतलब ओपनिंग हुई। सरदार शाह साईं खुद आए और उन्होंने ओपनिंग की है, तो मेरी यही उम्मीद है कि हैदराबाद में ऐसे फेस्टिवल होने चाहिए। हैदराबाद में क्या सखर लाड़काना, हर जगह ऐसे फेस्टिवल होने चाहिए, हो तो रहे हैं और आगे भी जाके मिलने चाहिए। सो ऐसे अच्छे ड्रामे हो रहे हैं, एक अच्छा फेस्टिवल हो रहा है। आपको पता है कि कोरोना के दौरान भी काफ़ी आर्टिस्ट डिस्टर्ब हो गए थे, और अभी जो ये बोध मुतासरों की वजह से भी काफ़ी डिस्टर्ब हुए थे, क्योंकि हम अपनी खुद कैंप लगा रहे थे, उनकी मदद कर रहे थे। सो ये है कि उसके दौरान भी काफ़ी लोग भी डिस्टर्ब हुए हैं, पब्लिक भी, क्योंकि हम पब्लिक चाहती है कि अच्छे अच्छे ड्रामे हों, फ़नी ड्रामे हों, जो हम सारी टेंशन भूल जाएं जब आने के बाद। तो मैं ये चाहती हूँ कि ऐसे फेस्टिवल होने चाहिए इस ड्रामे में।